तो ये गेम 1961 की है और स्लोवेनिया में खेली गई थी तो ये गेम बॉबी फिशर की है तो बॉबी फिशर इस गेम में वाइट पीसीस के साथ है और ब्लैक पीसीस के साथ गेलर तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं गेम तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की ई फोर से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया ई फाइव नाइट एफ थ्री नाइट सी सिक्स बिशॉप बी फाइव रॉयल ऑफिस ओपनिंग ए सिक्स बिशॉप ए फोर डी सिक्स और बॉबी फिशर ने किंग साइड कैसल कर लिया बिशॉप जी फोर एच थ्री और बिशॉप पर प्रेशर है तो बिशॉप एच फाइव सी थ्री क्वीन एच सिक्स तो ब्लैक ने अभी गलती कर दी है अपनी क्वीन को पहले निकालकर क्योंकि पहले अपने नाइट को डेवलप करके यहां पर किंग साइड पर कैसल कर लेना चाहिए था ब्लैक को लेकिन ब्लैक ने पहले इस नाइट पर प्रेशर बनाया तो बॉबी फिशर ने जी फोर मूव किया और इस बिशॉप की लाइन को कट कर दिया तो ब्लैक ने बिशॉप जी सिक्स मोव किया डी फोर तो बॉबी फिशर ने अपना ये ई फोर पॉन सेक्रीफाइस कर दिया तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर कर लिया बिशॉप कैप्चर्स e4 और अभी नाइट पर प्रेशर बढ़ चुका है तो बॉबी फिशर ने नाइट d2 टू मूव करके इस नाइट पर सपोर्ट बनाया लेकिन ब्लैक ने बिशॉप जी सिक्स मोव कर लिया ब्लैक को ये नाइट ले ही लेना चाहिए था लेकिन ब्लैक ने अपने बिशॉप को जी सिक्स पर मूव किया अगर ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करता है तो फिर नाइट कैप्चर्स और फिर ब्लैक e4 फोर मूव करके इस नाइट पर प्रेशर बना सकता था लेकिन ब्लैक ने बिशॉप g6 सिक्स मोव किया तो बॉबी फिशर ने बिशॉप कैप्चर्स नाइट c6 सिक्स मूव करके अपने बिशॉप को इस नाइट के बदले में एक्सचेंज करवा लिया B captures bishop, D captures e5, D captures e5. और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या ब्रिलियंट मूव किया जिसके बाद ब्लैक की गेम थोड़ी सी बिगड़ गई तो बॉबी फिशर ने नाइट कैप्चर्स ई फाइव मूव किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया लेकिन ब्लैक इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि नेक्स्ट मूव में रूक ईवन आ जाएगा और फिर ब्लैक की क्वीन पिन हो सकती है तो ब्लैक ने इस नाइट no सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और ब्लैक ने पहले बिशॉप डी सिक्स मोव किया तो बॉबी फिशर ने नाइट कैप्चर्स बिशॉप जी सिक्स मोव किया और अपने नाइट no. के बदले में ब्लैक का बिशॉप एक्सचेंज करवा लिया क्वीन कैप्चर्स नाइट रूक ईवन चेक और ब्लैक ने किंग एफेट मूव किया और ब्लैक का कैसल अभी बिगड़ चुका है अगर ब्लैक अपने नाइट को बीच में लाता है तो फिर कैसल कर पाएगा लेकिन फिर नेक्स्ट मूव में नाइट ई फॉर मूव आ जाएगा और ब्लैक अगर कैसल करने जाता है तो नाइट कैप्चर्स भी और सी कैप्चर्स नाइट के बाद इस नाइट को कैप्चर किया जा सकता है तो ब्लैक मटेरियल डाउन हो जाता और ब्लैक अगर इस नाइट को अपनी क्वीन से कैप्चर करके इस नाइट पर सपोर्ट बनाता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन कैप्चर्स क्वीन आ जाएगा और सी कैप्चर्स क्वीन के बाद रूक कैप्चर्स नाइट आ जाएगा और ब्लैक एक बिशॉप डाउन रहेगा तो ब्लैक मटेरियल डाउन हो जाता तो इसीलिए ब्लैक ने किंग एफ एट मूव किया तो बॉबी फिशर ने नाइट सी फोर मूव करके बिशॉप पर प्रेशर बनाया लेकिन ब्लैक ने पहले अपने बिशॉप को ना बचाते हुए एच फाइव मूव किया और अभी किंग साइड पर थोड़ा प्रेशर बढ़ चुका है लेकिन बॉबी फिशर ने नाइट कैप्चर्स बिशॉप मूव किया सी कैप्चर्स नाइट बिशॉप एफ फोर क्योंकि किंग साइड पर अभी सपोर्ट बनाना जरूरी है क्योंकि ये रुक की लाइन भी ओपन हो रही है नेक्स्ट मूव में तो ब्लैक ने पहले डी फाइव मूव किया और इस पॉन को कैप्चर नहीं किया तो बॉबी फिशर ने क्वीन बी थ्री मूव किया तो बॉबी फिशर की प्लानिंग क्वीन बी सेवन पर लाकर इस रुक पर प्रेशर बनाने की है लेकिन ब्लैक ने पहले बॉबी फिशर की किंग साइड पर प्रेशर बनाया एच कैप्चर्स जी फोर तो अभी नेक्स्ट मूव में जी कैप्चर्स एच थ्री आ रहा है और डिस्कवर चेक क्वीन से आएगा और साथ में ब्लैक रुक कैप्चर्स एच थ्री भी कर सकता है तो बॉबी फिशर ने अपनी किंग साइड पर जरा भी ध्यान ना देते हुए क्वीन बी सेवन मूव किया और इस रुक पर प्रेशर बनाया और सीधा चेकमेट की थ्रेड दी तो ब्लैक ने पहले अपने रुक को ना बचाते हुए जी कैप्चर्स एच थ्री चेक दिया बिशॉप जी थ्री रुक डी एट और अभी आखिरी बार वीडियो पॉज करके सोचिए कि बॉबी फिशर ने क्या मूव किया होगा जिसके बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया तो बॉबी फिशर ने क्वीन बिफोर चेक दिया और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया रिजाइन की वजह यह है कि ब्लैक अगर सी फाइव मूव करता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन कैप्चर्स सी फाइव चेक आ जाएगा तो ब्लैक का किंग तो मूव हो नहीं पाएगा क्योंकि रुक ने ये लाइन कवर कर रखी है और ब्लैक अपने रुक को बीच में लाता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन सी एड चेक होगा और फोर्स पुलिस रुक को बीच में लाना ही पड़ेगा और क्वीन कैप्चर्स रुक चेकमेट ही आ जाएगा तो ब्लैक अपने रुक को तो बीच में नहीं ला पाएगा और ब्लैक अगर अपने नाइट को बीच में लाता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन कैप्चर्स नाइट चेक होगा और किंग को मूव करना ही पड़ेगा और क्वीन कैप्चर्स रुक चेक के बाद आप देख सकते हैं कि ब्लैक मटेरियल डाउन है तो ब्लैक को आगे जाकर रिजाइन करना ही पड़ता और ब्लैक अपनी क्वीन को तो बीच में ला ही नहीं पाएगा क्योंकि क्वीन जैसे ही मूव होती है तो ये बिशॉप अनपिन हो जाएगा और नेक्स्ट मूव में बिशॉप कैप्चर्स क्वीन चेक आ जाएगा और ब्लैक को अपनी क्वीन गवानी पड़ेगी और फिर फोर्सफुली नाइट को बीच में लाना पड़ेगा या इस बिशॉप को कैप्चर करना पड़ेगा ब्लैक को तो इसी सब कैलकुलेशन की वजह से क्वीन बिफोर चेक के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया